नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मास्टर और आज देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। इस चैनल पर आज हम IUPAC कैसे, इसका नाम लिखा जाता है और ये इंटर में आपका ट्वेल्थ परीक्षा में एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। आपके इंटर परीक्षा में 4 नंबर का था, दो दो नंबर का दो क्वेश्चंस आता है और दोनों को आपको बहुत आराम से हल कर लेंगे। बस आपको इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। बहुत ही छोटा वीडियो है, पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आपको टोटली हम नियम समझाएंगे, दूसरे पार्ट में आपका इसका रिवीजन करवाएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे। तो पहले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, हम आपको चलते हैं दिखाते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको IUPAC नाम जरूर लिखा जाए। और अगले पार्ट्स में हम पेपर इसका भी, पेपर में जहाँ पर भी क्वेश्चन आया है IUPAC नाम, हम उसको दिखा करके आपको हम हल करवाएंगे और आप भी हल कर लेंगे, पक्का गारंटी मेरी है। आप इसको पक्का हल कर लेंगे, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं सब आपको पॉज करके वीडियो नोट्स कर लेना है, नोट कर लेना टोटल आपको। तो जैसा कि आपको वीडियो में टोटल आपको लिखा गया है, यहाँ पर पूर्व लग्न, मूलक या मूल शब्द या अनुलग्न, ये IUPAC नाम लिखने की एक फार्मूला होता है। जिस फार्मूला में जैसे आपको लिखना होता है, अनुवाद करना होता है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसी तरह पूर्व लग्न, मूलक और अनुलग्न। पूर्व लग्न में आपको द्वितीयक, प्राथमिक होता है, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। पूर्व लग्न में प्राथमिक और द्वितीयक क्या है, इनको हम अभी हम दिखा रहे हैं। मूलक में मूल शब्द क्या है, इसको भी दिखा रहे हैं, और प्राथमिक में द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीय अनुलग्न क्या है। तो ये फार्मूला है आपको मेन, पूर्व लग्न, मूलक और अनुलग्न, इसी फार्मूले पर हमको IUPAC नाम को लिखना है। चलिए पहले हम क्या क्या चीज़ें करने हैं, पहले हम कार्बन की श्रृंखला का प्रकार जान लेंगे। कार्बन श्रृंखला का प्रकार आपको इसमें नोट दिखाया गया है, जैसे कि हम लिखे हैं इसका। हम चाहेंगे तो PDF बना के दे देंगे, PDF आपको लिंक मिल जाएगी, बस आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना है, और आपको 100% गारंटी है कि आप IUPAC नाम जरूर लिख लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि ये आपका कार्बन श्रृंखला, संतृप्त कार्बन श्रृंखला, जिसमें आपका एक बॉन्ड होगा, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें आपको अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न है, ध्यान रखिए प्राथमिक अनुलग्न है, जिसमें आपका एन जुड़ेगा, जिसमें आपका एन जुड़ना है। और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला जो होती है, द्विबंध होती है और त्रिबंध होती है। द्विबंध, त्रिबंध आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको द्विबंध होगा तो एन जुड़ेगा प्राथमिक अनुलग्न के रूप में, और त्रिबंध होगा तो आयन जुड़ेगा। यानी जो नाम लिखेंगे कार्बन की, जो श्रृंखला लिखेंगे, उसके पीछे एन, इन, आयन जोड़ेंगे, और ये समूह का उसका नाम है। एल्केन होता है, एल्कीन, और ये एल्काइन। इसके जो सूत्र होते हैं, आप ध्यान में रखिए, ये सूत्र होता है, फार्मूला, अगर कहीं कोई पूछता है तो। यानी कार्बन जितना होता है उसका दुगना प्लस दो ज़्यादा होता है, यानी Cn H2n+2। और इसमें सी कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होता है, इसमें कार्बन का दुगना हाइड्रोजन दो कम होता है, कार्बन से दुगना जो होता है उससे दो कम होता है। और ये एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह में आपका जो जिसे होता है मेथिल, एथिल, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके हिसाब से बनेंगी। बहुत आसानी तरीके से बता देंगे कैसे बनना है। इसका फार्मूला ये होता है Cn2n+1, यानी इस कार्बन का दोगुना और एक ज़्यादा, इस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद आपको ये कुछ चीज़ें रखनी हैं जो पूर्व लग्न या अनुलग्न होते हैं, जिससे इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। यानी एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक के लिए आप मोनो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, या अदर और कुछ हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे वो चलते हैं दिखाते हैं। तो दो के लिए आप डाई लिखेंगे, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए डेट्रा, ये ज़रूरी है आपको क्या क्या चीज़ लिखना है, और इसको आपको नोट कर लेना है ये चीज़ें। बस पूरा IUPAC नाम इतने में समेट के रख दिए हैं आप, जिस क्रम। अब ये कार्बन की श्रृंखलाएं, कार्बन श्रृंखला को कैसे कैसे याद करना है। कार्बन श्रृंखलाएं हैं जैसे कि कार्बन की, अगर एक कार्बन रहता है, एक कार्बन रहता है तो आपको मेथ लिखना है, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट और पेड, पाँच के लिए सिक्स हेप्ट, हेप्ट ऑक्ट और नोन। इस तरह से और भी होते हैं, लेकिन 9 तक आपको ज़रूर याद करना है, 9 तक आपको मिलेगा IUPAC नाम में, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको याद करने का क्रम आप ध्यान में रखिएगा। मेथ और एथ को याद करने के लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे कि अगर मेथ, तो मेथ में सबसे पहले मेथ कर लेंगे, उसके बाद एथ करेंगे, फिर प्रोप होता है, ब्यूट होगा। इसको आप जैसे भी ट्रिक लगा के याद करना, इसकी भी ट्रिक बना देंगे, लेकिन पहले आपको ये आपकी कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला को हम याद कर लेंगे। इस तरह से इतनी चीज़ें आपको, ये
सारणी में बना लेना है और इसको याद कर लेना है। और कौन सी सारणी याद करना है, ये तो आपकी प्राथमिक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न दिखाते हैं और पूर्व लग्न की सारणी भी दिखाते हैं। सारी सारणी दिखा दें पहले, उसके बाद हम बना के बताएं। ये आपकी अगली सारणी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको ये फार्मूला है, पूर्व लग्न मूल शब्द जो होता है मूल, और अनुलग्न में दो प्रकार प्राथमिक या द्वितीयक। और इसमें जहाँ कहीं भी आर यूज होगा वो समूह या लिखित समूह का होगा, यानी कि जो आपका मेथेल एथेल जो कुछ भी होते हैं उन सब चीज़ें, आर आपका समूह होगा। यहाँ पर आइए पहले कार्बनिक यौगिक की जो श्रेणी है, जो क्रियात्मक समूह होते हैं, इनको क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं। तो क्रियात्मक समूह इसका आपका सिंबल ये सब हैं, ये सब आपके आईपीएससी नाम में जुड़े रहेंगे तो इस श्रेणी के कहे जाएंगे, और इनका अनुलग्न के रूप में यानी नाम में आपको ये चीज़ें जोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें जोड़ना है हमें। यानी अगर आपका ओएच आता है तो ऑल जोड़ना है, यानी कि पीछे जोड़ना है। जैसे आपका मेथेन है तो मेथेन में ऑल जोड़ेंगे, ये जो आपका मात्रा है ये सारे जोड़ेंगे, क्योंकि आप मात्रा जानते हैं, मात्रा आपका आ नहीं लिखा जाए, आ की मात्रा लिखा जाए, ए नहीं लिखा जाएगा ए की मात्रा, ओ नहीं लिखा जाए ओ की मात्रा लिखा, यानी सारी चीज़ें कहीं भी हिंदी इतना तो जानते ही होंगे कि अगर आपका बीच में कहीं पर भी आता है, बीच में कहीं पर भी आता है तो उसका हम नाम नहीं लिखते हैं, आ नहीं लिखते हैं, उसकी मात्राएँ यूज करते हैं, तो इसको हम संधि के रूप में जोड़ लेंगे। उसके बाद हम और बताते हैं कि आपको अगर सी एच ओ आता है तो एल, इसी तरह ये चीज़ आता है सी के साथ, इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो आपका ओन, और सेम टू सेम इसी तरह सी ओ एच, यानी अगर इस तरह नहीं जुड़ा रहता है तो आपको इस तरह जुड़ा रहेगा, यानी डबल बॉन्ड में ओ एच तो आपको ओ ई कम्ल या एसिड जिसको कहते हैं, इसके पीछे ये सारी चीज़ें पीछे जुड़ना है। ये आपका सी ओ एन एच टू आपका इस तरह हो सकता है या इस तरह, तो भी आपको एमाइड के रूप में होता है एथिलीमाइड, तो इस तरह से एसिड एस्टर एस्टर में आपको आ रहा है यूज है तो जो समूह जुड़ा रहेगा इस तरह से, और एमीन इसमें से आपको ये चीज़ें कम याद रखनी, यहाँ से ऊपर वाली ये और ये और ये चीज़ें आपको ज़रूरी है याद करना, इतनी चीज़ें। ये आपका द्वितीयक अनुलग्न, यहाँ ध्यान रखिए द्वितीयक अनुलग्न है ये, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न की सारणी हमने दिखाया है, द्वितीयक अनुलग्न की ये सारणी है, इसको हम पहले प्राथमिक जोड़ेंगे उसके बाद द्वितीयक, इसको पहले पहले वो उसके बाद ये वाला, ठीक है। जब नाम बनाएंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, बस आप इस पार्ट को देखिए, इसके बाद दूसरा पार्ट भी जाएगा उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए एक पार्ट में हम नहीं बना सकते हैं। तो आज सारी सूत्र हम सारी चीज़ें दे दे रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसको हम एग्जाम्पल्स हल करके दिखाएंगे और सारी चीज़ बता करके बताएंगे, इसमें भी आपको कुछ हल करवा देंगे एक आध दो एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे और चीज़ें हम दिखाते हैं। ये नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापी समूह, ये होते हैं, ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं और ये पूर्व लग्न कहे जाते हैं, पूर्व लग्न। अभी वो प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न हम देख लिया, पूर्व लग्न ये है आपका, ये आपका अनुलग्न है जिसमें द्वितीयक अनुलग्न है और ये प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में आपको साइकिल होता है, इसमें पूरा पूरा लिखा गया, आप जब समझ सकते हैं कि प्राथमिक पूर्व द्वारा चक्रीय यौगिकों का अचक्रीय यौगिकों से पृथक किया जाता है, सेम इस तरह से। तो प्राथमिक पूर्व लग्न जल्दी यूज नहीं करना है अभी भी हमको, हमको आपको द्वितीय की अनुलग्न पूर्व लग्न जोड़ना है, द्वितीय पूर्व लग्न को जोड़ना है। जैसे आप है आपका तो फ्लोरो सी एल है तो आपका क्लोरो, एन बी आर है तो ब्रोमो, सेम आपको ये चीज़ें याद कर लेना है, ये आपको हाइलोजन में आ जाएंगे। इसी तरह ये नाइट्रो भी देख लेंगे, और ये थोड़ा कम देखिए यहाँ पर आपको देख लेंगे, एथिल और मेथिल और एथिल देख लेंगे, मेथिल और एथमेथिल ये चीज़ देख लेंगे, ठीक है। अगर इस मेथिल के साथ ओ जुड़ गया तो मेथॉक्सी, अगर एथिल के साथ ओ जुड़ गया तो एथॉक्सी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। तो बहुत सरल है, आसान है सूत्र को याद करना। और रही बात मेथिल कैसे बनता है, हम बना सकते हैं, अभी हमने बताया था कि सी एक कार्बन के लिए आपका मेथ होता है, तो मेथ हमने लिख लिया मेथ, और इसमें देखिए कार्बन का दुगना प्लस एक, कार्बन का दुगना है हाइड्रोजन और ज़्यादा एक है, तो यानी कि एक दो दो में एक जोड़ा तो तीन हुआ, तो जिससे कि आपका उसमें तो आपका एल्किल समूह का एल्किल समूह में इल जोड़ना है तो आपका मेथिल हो जाएगा। इसी तरह एथिल है दोगुना, दो दुना चार, एक ज़्यादा है पाँच, तो इल जुड़ना है, एथ में इल जुड़ेगा तो एथिल। सारी चीज़ें इसी तरह हैं, ये हम बना सकते हैं, अगली बार हम बना के भी दिखाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और चलते हैं हम एक नाम बनाते हैं, बस एक नाम बना के हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। ये आपको तीसरा नंबर देखिए, हमें सबसे पहले नामकरण करने के लिए सबसे पहला नियम कहता है कि हम कार्बन की श्रृंखला को गिनेंगे, कार्बन की चेन को गिनेंगे, कार्बन गिनना है हमको कितने कार्बन हैं, और कार्बन के नाम
जो अंकन करना है वो संख्या नाम हमको कर लिखना है, 1 2 3 4 जो भी लिखना है हमको उसका नंबरिंग करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है जिधर से आपका अनुलग्न पहले रहेगा उधर से हम शुरू करेंगे, तो जिस जिधर से क्रियात्मक समूह रहेंगे उधर से शुरू करेंगे। तो सारी चीज़ें जिसमें अधिकता हो, क्रियात्मक समूह, अनुलग्न, पूर्णलग्न, उधर से हम नंबर शुरू करेंगे। इधर से देखते हैं 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन इधर से, और यहाँ पर आपका अनुलग्न है। अनुलग्न सोचेंगे कहाँ से अनुलग्न आ गया, ये अनुलग्न है 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपको हम जैसे कि दिखाए थे यहाँ पर, देखिए ट्रिपल बॉन्ड में आपको नाम के पीछे क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है। ये ध्यान रखिए आयन जोड़ना है, और आयन जोड़ने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो हम इधर से ये देखिए 1 2 1 2, चाहे इधर से करें ये 1 2 3 4, चाहे 1 2 3 4, चाहे जिधर से करें बराबर है, नहीं क्योंकि बीच में है जिधर से कर सकते हैं। नहीं तो हमें अगर इधर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो हम इधर शुरू करें, यहाँ पर अगर होता तो हम यहाँ शुरू करते, लेकिन हम बीच में है चाहे जहाँ शुरू कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस पर हम इधर से 1 2 2 पर हमें मिल गया, 2 पर मिल गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। तो हम इसको एक तरह इस तरह लिख सकते हैं कि 3 पर है आपका, 3 पर है क्या, 3 पर है आयन है, ध्यान में रखेंगे 3 पर क्या है आयन है, अभी आयन हम पीछे ऊपर बताए थे। और 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए यहाँ पर ध्यान देखते हैं तो ब्यूट है, तो हमको ब्यूट ब्यूट आयन जोड़ेंगे, आ की मात्रा हो जाएगी, ब्यूटाइन हो जाएगा, 3 ब्यूटाइन हो जाएगा, एकदम सिंपल सा 3 ब्यूटाइन, सिंपल सा 3 ब्यूटाइन। अगर इस तरह लिखते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं 3 ब्यूट, 3 इधर ना लिखे तो इधर लिखते 3 ब्यूटीन, इस तरह लिख सकते, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हम ये ब्यूटाइन लिख सकते हैं, कोई भी इसी तरह हो सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। अगला पार्ट लेकर आएंगे तो हम उसमें पूरा हम आपको एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, और पेपर भी सॉल्व करके दिखा देंगे पेपर में कैसे आपको हल करना, और पेपर का क्वेश्चन लेके देखेंगे पिछले साल का जो पेपर में है उसमें से हम IPSC नाम लेंगे, और 100% आप कर भी लेंगे ये गारंटी मेरी है। बस आपको ये चीज़ें याद कर लेना है, इसकी PDF लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप वॉच करके वीडियो को हम ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, ये चीज़ ये सारणी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारणी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बाद ये अगली सारणी है इसको याद कर लेना है, देख लेना है। इतनी सारणी आपको बस जितने जितने टिक लगाएं ये ध्यान रखना, इतने से आपका IPSC नाम जरूर एकदम रेडी हो जाएगा। और ये सारी एग्जांपल जो लिखे हैं इनको आप करके देखिए, अगर नहीं होता है तो हम बताएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह शेयर करिए, और हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी पर जिसपे टेक्निकल वीडियो, मोबाइल कंप्यूटर संबंधी वीडियो, आपको कैसे मोबाइल हैंडल करना है, कैसे कंप्यूटर को हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है उसको बताएंगे, और बाकी हाई स्कूल और इंटर की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज सोल्यूशन, NCERT का केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे सोल्यूशन हम आपको पार्ट वाइज दे रहे हैं। आप जाके लिस्ट में देखिए आपको सारे पार्ट मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के 4 4 5 5 पार्ट हो गए हैं सभी में से, आप जाके लिस्ट में देखिए आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, नेक्स्ट बार जरूर देखिएगा, क्योंकि IPSC नाम उसी में आपको मेन मैंने इसमें से याद करना, लेकिन उसमें सिखाया जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, वीडियो को यहीं पर, नमस्कार, जय हिंद।